क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक है या नहीं, तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। कभी कभी ये होता है कि अगर किसी पर्सन से ये पूछ दिया जाता है कि भैया आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक है या नहीं, तो वो बोलता है हमको पता ही नहीं है, या उसको ये चेक नहीं आता है कि कैसे चेक करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, कि आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें आधार कार्ड नंबर लिंक है या नहीं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ये चेक कर पाएंगे कि आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक है या नहीं, और लिंक है तो कौन सा डेट में आपका लिंक हुआ है आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर, और लिंक है तो एक्टिव है या नहीं है, कौन से बैंक में लिंक है और आपका आधार नंबर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से घर बैठे ये चेक कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, कि आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक है या नहीं। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक तो भैया ज़रूर देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से ये चेक किया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार नंबर लिंक है या नहीं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइपिंग कर देना है UIDAI। तो आपके सामने में UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखिए आ चुका है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने में UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होके आ चुका है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ देखिए माय आधार पे इसे कर्सर रखेगा तो यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर देखिए कि आधार सर्विस, आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पर देखिए चेक आधार और यहाँ बैंक लिंक स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, ये कैप्चा स्मॉल में तो स्मॉल में, कैप और कैपिटल में है तो कैपिटल में डालना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने आधार नंबर डाल दिया, ये कैप्चा आपको स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में है तो कैपिटल में डालना है। इसके बाद यहाँ सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, यहाँ पर देखिए ये आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP गया है, जैसे मेरे केस में यहाँ पर OTP आ गया है, मैं यहाँ पर OTP डालूँगा तो आपको 6 डिजिट का OTP आएगा और ये 10 मिनट का वैलिड रहता है, तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर में आपको OTP यहाँ पे डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो मोबाइल है ये जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिंक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से शो कर देता है। यहाँ पर देखिए कि आपका जो लिंक हुआ है कौन सा डेट में हुआ है वो अपडेट आ जाता है। यहाँ देखिए बैंक लिंक स्टेटस आपको यहाँ पे एक्टिव है, यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाता है और यहाँ पे बैंक का जो है नाम पूरा आ जाता है। सो गाइस, इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ये चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कौन सा बैंक में लिंक है और कौन सा बैंक में लिंक नहीं है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए बैंक का नाम आ गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये जो है मेरा आधार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से लिंक है। सो गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ये पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कौन सा बैंक में लिंक है या नहीं। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से ये चेक किया जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड नंबर लिंक है या नहीं, और कौन से डेट में आपका आधार कार्ड नंबर लिंक हुआ है बैंक में वो डेट है या नहीं, और आपका जो है स्टेटस क्या शो कर रहा है, एक्टिव कर रहा है या नहीं कर रहा है,
ये सब आपको इस वीडियो में मिल ही गया होगा और आप सीख लिए होंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।